नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं कविता और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता जी, और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो अब तक हम आपको बता चुके हैं कि पूजा स्थल, जो घर का जो पूजा स्थल होता है, वो किस दिशा में होना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार, और किन किन चीज़ों का उसमें होना बेहद ज़रूरी है, और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जब आपका आपके घर में पूजा स्थल मौजूद होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जब भी हम कोई भी मतलब जो जब भी हम कोई भी मंदिर खरीद के लाते हैं अपने घर के लिए, तो उसके ऊपर गुंबद क्यों बना होता है, और सिर्फ गुंबद वाले ही मंदिर क्यों जरूरी होते हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक रखा है कविता जी, और दर्शकों को बता दें कि शायद वो इन चीज़ों को शायद नोटिस ना करते हों। और आपको बताना चाहेंगे, चाहे घर के मंदिर हो या लोग हम लोग मंदिर में जब जाते हैं, तो वहाँ गुंबद वाले मंदिर क्यों होते हैं, आखिर क्यों गुंबद वाले मंदिर बनाते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न रहे, उसके पीछे आज हम आपको कारण बताना चाहते हैं। कि जो हमारी ध्वनि सिद्धांत जो होता है, और वास्तुकला के लिहाज से गुंबद मंदिर का इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भाग रहा है। जिस भी मंदिर में गुंबद होता है, वहाँ पर जो मंत्रोच्चारण जो हम वाइब्रेशन करते हैं, वो वहीं पर समावेश उसका बना रहता है। यानी कि अगर हम कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वो मंत्र लौट कर वहीं वापस आते हैं, तो उसका समावेश उसी गुंबद के वजह से मंदिर के अंदर बना रहता है, वो वाइब्रेशंस बाहर नहीं जाती हैं। तो जब भी हम अपने देवी देवताओं या भगवान के सामने पूजा करते हैं, तो साधक के मुँह से जो उच्चारण ध्वनि जो निकलती है, वो सीधा गुंबद से जाकर टकराती है, और उसके बाद केंद्रीयभूत होकर हमने देखा है कि भगवान हमारे देवी देवताओं को आकर उनसे वो वाइब्रेशन आके जुड़ती है और उनको जागृत करती है। यानी कि उनको बार बार वो उच्चारण उनको सुनने को मिलता है, जिससे देवी देवता जागृत होते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और हमें शुभ फल देना देवी देवता प्रसन्न करते हैं। और जो मंदिर में अगर गुंबद नहीं होता है, तो वहाँ पर ये वाइब्रेशन जो हैं वो मंदिर से बाहर चली जाती हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न या देवी देवताओं को जागृत करने में पूर्ण तरीके से समर्थ नहीं हो पाती। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी आपको बताते हैं कि गुंबद क्यों बनता है। हमने देखा है कि आजकल जब भी तेज हवा, तूफान या वर्षा होती है, तो इस तरह का गुंबद होने से मंदिर के ऊपर भी किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, जिससे कि मंदिर की जो आयु है या मंदिर अधिक से अधिक समय तक सेफ और बिल्कुल सिक्योर रहता है, मंदिर यानी सुरक्षित रहता है, मंदिर खंडित नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं, आप कभी भी जब आप मंदिर में जाएं, तो आप ध्यान से देखिए, आप उच्चारण करेंगे तो जो उच्चारण करके आपको जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं, वो केंद्रीयभूत होकर टकरा कर वापस देवताओं को सुनने को मिलते हैं। जब बार बार वो ध्वनि उनको सुनने को मिलती है, तो देवता जागृत हो जाते हैं, और जब देवता जागृत हो जाएंगे, तो वो आपको सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यही वजह है कि आजकल जो मंदिर है उनमें गुंबद बनाए जाते हैं। और शायद यही वजह है मयंक जी की, जब भी हम बाहर मंदिरों को देखते हैं, तो उनके ऊपर एक अलग सा गुंबद बना होता है। और मैंने ये कई बार देखा है, जब हम मार्केट जाते हैं, कोई अपने घर के लिए मंदिर खरीदता है, कोई अपनी दुकान के लिए मंदिर खरीदता है, तो वो गुंबद वाला मंदिर ही लेता है। जी बिल्कुल, जिससे कि जो वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जो उनसे जो गुंबद से टकरा कर वो वहीं की वहीं रहती हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं, उनको जागृत करती हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह अगर आपके भी ज्योतिष से संबंधित कोई सवाल है, कोई विषय है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम उन विषयों को, उन सवालों को अपने आने वाले कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को और मयंक जी को दीजिए इजाज़त, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NMF News के साथ।